Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to one more new series on Holi celebration in Mathura. चलो चलते हैं मथुरा. पहली बार देखो भैया डीजल गाड़ी का लाइन सीएनजी समझ रहा हूँ भैया. ले रहा हूँ भैया. ले लिया. पहली बार देखो डीजल का लाइन इतना सीएनजी का समझ में आता है. डीजल गाड़ी का लाइन है. 50 लीटर का तेल डाल दिया. 50 नहीं 50 लगभग सारे 50 लीटर मतलब 51 लीटर के आसपास का तेल डाला. मीटर हमने डाउन कर दिया. 31,720 किलोमीटर ऑटोमीटर में दिखा रहे हैं और लगभग 1.5 साल हो गया गाड़ी को. 4 सर्विस हो चुका है. इसके बाद क्या माइलेज दिखाता है. अपना मस्त क्रूज कंट्रोल लगा दिया और अब मजे में. ओलो 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 दुनिया जाए भार में हम जाए कार में. ये नया वाली रोड यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है. यही रोड जाएंगे आपका जेवर तक भी. सभी पहुंच गए टोल. हाँ ठीक है कल चले जाना. बोलो कल केजरीवाल का उस चक्कर में मना किया था क्योंकि जामा होने का सांस है. कल जाना. हाँ कल चले जाना. डेढ़ साल पुरानी स्कॉर्पियो एन माइलेज दे रहे 12.9 फिलहाल. तो हम हैं एक्सप्रेस हाईवे में. ब्रेक तो समझ लो कि 2-3 बारी बिल्कुल दबाया है. नहीं तो खाली इसी में चल रहा है आपका. पीछे से रहा खाना का पार्टी. मथुरा 54 किलोमीटर बचा हुआ है. आगरा 113. गाड़ी के रफ्तार है 90. रेंज दिखा रहे इस समय 800 और 12.9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रहा है. मजा मार. और अभी जाएंगे हम खाना खाने के लिए. टोल भी आ गया एंड टोल के साथ साथ में पहली हॉल्ट. यहाँ केएफसी कहाँ है? केएफसी बनाई जगह है. हम यहाँ नहीं खाएंगे. हम केएफसी में खाएंगे. चलो पिकानो भी है देख रहे हो. मांगो पिकानो सब है. सब है खाएंगे. बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया. बड़ा गड़बड़ नहीं छोटा गड़बड़. 1.5 साल बाद ये क्रूज कंट्रोल काम करना बंद हो गया. देखो स्टैंड बाई के बाद इससे रिज्यूम होना चाहिए. इसमें से होना चाहिए. इसमें से होना चाहिए. सेट होना चाहिए. कुछ नहीं हो रहा है. गया खराब हो गया. गया 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 गया. यहाँ तो ट्रैफिक जाम लग गया. यहाँ पे खाना भी बहुत मस्त है. पिछले वाले पे खाना सही नहीं था. वृंदा बना इस वाले पे खाना बहुत मस्त है. अब हम खाएंगे KFC. ये हम मैं गाड़ी चला रहा था. मैं मस्त गाड़ी को पार्किंग कर दिया. सर ये आज का पहला और आखिरी हॉल्ट है. इसके बाद और 50 किलोमीटर का बहुत रूप है. 50 किलोमीटर के बाद हम पहुंचेंगे मथुरा. फिलहाल
थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, आज लंच करें नहीं तो लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर 50 किलोमीटर और ड्राइव करके हम पहुंचेंगे मथुरा। सीनरी देखो मस्त है। तो बच्चे पार्टी के साथ, बच्चे पार्टी के साथ हम निकले खाना खाने के लिए। विष्णु हाई। हेलो, की कहते था? दिस इज माय ब्रदर। तो हमारे पीछे है आपका टॉयलेट्स और बिकानो, एंड आगे है KFC, कोस्टा कॉफी, सबवे, पिज्जा हट, वांगो। तो ये मोर काइंड ऑफ प्राइवेट जो रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये सब है उनके सामने। जो पीछे हम छोड़ के आए जहाँ पे हम नहीं रुके, तो वहाँ पे काइंड ऑफ लोकल मतलब देसी टाइप की ट्रीज है। दोनों जगह चलता है जिसको जो पचता है। चलो फिलहाल आपके समय और हमारे समय ना बर्बाद करते हैं, फटाफट चलते हैं और अपना खाना फिनिश करते हैं और पहुँचते मथुरा। लगभग और आधा घंटे का ड्राइव बचा हुआ है। तो ये हमने लिया पनीर बटर मसाला डोसा। अरे पूरा निचोड़ के खाने के बाद अभी हम वापस से करेंगे अपना सफर शुरू। कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा खा गया, पूरा पैसा वसूल। अब चलेंगे, बाकी का 50 किलोमीटर है, आधा घंटा लगेगा, फिर मिलते हैं सीधा मथुरा से। ठीक है, और दो बूंद बचा है वो भी पी लेता हूँ। चलो लेट्स फिनिश दिस, 50 किलोमीटर बचा हुआ। चलो बैठो पब्लिक बैठ जाओ। अभी हाईवे से कट के हम मथुरा के रोड पे एंटर हो गए, हाईवे से निकल गए। वहाँ बोट था, बोट की हाईवे से कट के अभी हम आगे स्टेट हाईवे पे। अभी रोड है ना हल्का छोटा हो जाएगा, बट कोई वांडा नहीं है, मजा मा जिंदगी। और ये मथुरा का जाम देखो, मथुरा एंटर करके अभी मतलब आउटर साइड में है, चारों तरफ होली का मजे देखो, मजे ही मजे। यहाँ आए दूर दूर से लोग ब्रज के होली खेलने के लिए। श्री कृष्णा नगरी में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत मजा आ गया, बढ़िया लगा। श्री कृष्णा नगरी में आपका स्वागत है, बढ़िया। देखो कितना मस्त कलरफुल दीवार है, यहाँ जयपुर में भी दिखता है ऐसा। हाँ लेकिन यहाँ ये सर कितना मस्त छवि बनाया हुआ है, देख रहे हो, बढ़िया लगा, मजा आ गया। देखो पूरा लाल जाम हो रखा है और सामने मथुरा का जाम हमारे सामने है, और उसमें से ये सांड जैसी गाड़ी को कितने बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं ला रहा हूँ मथुरा के अंदर, लेके जा रहा हूँ हमारे रथ को। देखो ये देखो बस स्टैंड है मथुरा का, अगर बस में आते हो तो यहीं पे उतरना पड़ेगा आपको। बैटरी रिक्शा फिर टुक टुक लेके बस अपना होटल पहुंच जाओ और क्या। फिलहाल हम जा रहे 12.9 का माइलेज पे, बहुत मजा आ रहा, लेकिन आज तो तेल बहुत बचा लिया, माइलेज तो बढ़िया ही लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत भगाया भी है गाड़ी। रिलायंस डिजिटल तो ऐसा कई सारे शॉप्स वगैरह भी खुल गए, इसलिए कह रहा हूँ कि मथुरा आजकल बहुत डेवलप्ड हो गया। ठीक है, मजे में आओ ना, सीधा सामने जाना हमें, जहाँ पे आज हमारा होम है ना, जहाँ पे हमने कमरा लिया है वो बहुत ही जबरदस्त कमरा है, बिल्कुल गेट के सामने, और मंदिर हम पूरा दर्शन कर लेंगे घर बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये देखो सामने हमारे जन्मभूमि मंदिर, अब हमें फोन करना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड को, क्योंकि यहाँ लगी है गेट और बैरियर। चलो लेट्स कॉल। सो टेम्पल के जस्ट बगल ये है हमारा, ये बात हो ठीक।
इसमें और कोई इस्तेमाल करते हैं? ठीक, और आपका ए सी लगा हुआ है भैया? अभी एसी नहीं, बस आज एसी आए, एसी इंस्टॉल के लिए होने हैं। अच्छा, मैंने एसी का फोटो देखा था। बस बताऊं कि वेडिंग प्लान कल से ही। ये आपका मंदिर का गेट है और ये हमारा गाड़ी है और गाड़ी के साथ में हमारा कमरा है। और एज इन मतलब ये होटल नहीं है, ये किसी का घर है जो इन्होंने इसको एक्सपीरियंस के हिसाब से डाला हुआ है। एंड ये रहा प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी आपको मैंने ऑलरेडी दिखा चुका है। पार्किंग भी मिल जाता है आपको, सबसे बढ़िया बात है कि पार्किंग मिल रहा है, फिर एंट्रेंस मिल रहा है, सब मिल रहा है और बिल्कुल मंदिर के नज़दीक है, तो और क्या चाहिए। तो दैट्स इट, अभी थोड़ा फ्रेश अप हो लेते हैं और रूम में एडजस्ट हो लेते, फिर मिलते हैं आपको मंदिर से। आज तो हमने बुक कर लिया, कल आप बुक कर लीजिए। थोड़ा सा आराम करने के बाद अभी हम निकले हैं मथुरा घूमने। छोटा देखो, घर से निकलते ही मथुरा के खान पान देखो, ये पूरा निकलते ही आपका गेट है द्वारकाधीश टेंपल जाएंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे रंगभूमि में आएंगे शाम के टाइम, 8 बजे बंद होगा तो 8 बजे से पहले आएंगे। फिलहाल हम जाएंगे द्वारकाधीश के, यहाँ इस तरीके का ड्रेस कल खरीदेंगे हम लोग। फिलहाल हमें जन्मभूमि ठीक पीछे है, जन्मभूमि टेंपल ठीक पीछे है। तो फिलहाल हम ले लिए बैटरी रिक्शा में मथुरा। जाम देखो बिल्कुल मथुरा बन चुका है मथुरा। राधे राधे। और हमारे छोटे लल्ला मजे लेते हैं भाई रिक्शा के। तो 20 रुपये सवारी के हिसाब से हम जन्मभूमि से द्वारका भी जाए एंड अब यहाँ से हमें निकलना है पैदल। 20 60 रुपये में आ गए यहाँ। ओ भाई द्वारकाधीश किस तरफ है? ये घाट की तरफ है, यहाँ से शुरू हो गया आपका लाइन। ये दूसरे वाली गेट है? तो इस गेट में आपका भीड़ नहीं होता है, पहले वाले गेट में भीड़ बहुत ज्यादा है। फोटो लो एक। चलते चलो मंदिर के अंदर पे हम दर्शन कर लिए। वो अपने घर के अंदर द्वारकाधीश का मंदिर जो था वो प्राइवेट मंदिर था। द्वारकाधीश का मंदिर हम लोग दर्शन करके आए हैं, प्राइवेट मंदिर है वो मंदिर। यहाँ के मथुरा के लोकल सेठ ने बनाया, मथुरा के लोकल सेठ थे लक्ष्मीचंद जी, उनके घर के अंदर 60 साल के एक तक कोई संतान नहीं है।
60 साल की एज में आके लड़का लड़की कोई नहीं हुआ, पति पत्नी ने जैन धर्म को छोड़ दिया, हिंदू सनातन धर्म को अपनाया। जैनी लोग जो होते हैं भगवान को निवेदन आते हैं, भगवान को पूजन नहीं करते, तो 60 साल की एज में जैन धर्म को छोड़ दिया, हिंदू सनातन धर्म को अपनाया। इधर यमुना ये पूजन किया, लड़के की मनोकामना एक साल बाद घर के अंदर 61 साल की एज में लड़का हुआ, लड़का हुआ था लड़के होने खुशी में मथुरा के अंदर दो टेम्पलों का निर्माण कराया, जिसमें फर्स्ट टेम्पल द्वारकाधीश वाला था, सेकंड टेम्पल वृंदावन में सो फिलहाल हम हैं बहन भाई के मंदिर में जो कि विश्राम घाट में है। चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं, फ्रंट कैमरा में शिफ्ट करते हैं। तो ये हो गया बहन भाई के मंदिर। तो भाई बहन के मंदिर के जस्ट आपका अपोजिट में गोवर्धन मंदिर है। सो ये है गोवर्धन मंदिर। सो इसके बाद हम जाएंगे विश्राम घाट। नहीं मिलेगा क्योंकि मथुरा के अंदर राधा रानी कभी नहीं आई, खाली वृंदावन और बरसात में आपको राधा रानी मिलेगी। कृष्ण बलराम जो बॉडी थी ना 16 जैसे टेढ़ी मेढ़ी थी, कंस के लिए शिव पूजा के लिए चंदन हार लेके जाया करते, जिस टाइम पर कृष्ण भगवान कंस मामा को मानने जा रहे थे, कृष्ण भगवान को रास्ते मिला, कृष्ण भगवान को उसने देखा सारा चंदन हार जो कंस के लेके जा रही थी वो कृष्ण भगवान को लगा दिया। कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, कुब्जा के पैर पर झटका, घोड़ी पर झटका दिया, उसका सारा कुबर छटा कर दिया, दूसरी पटरानी बनाया, दूसरी मतलब की बाइक बनाया, द्वारका फूल लेके गई, यमुना पहली पटानी है यमुना को लेके गए और कुब्जा को लेके गए। राधा कृष्ण सब कहें और कुब्जा कृष्ण कहे ना कोई, कुब्जा कृष्ण कोई नहीं कहता, राधा कृष्ण सब कहते, एक बार कुब्जा और कृष्ण कहे तो कौन ही जगह पहुंच जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है कुब्जा कृष्ण कहते। दूसरी बात, आप लोग ऑल बेल्ट में जाओगे तो आपको बलराम भैया को बड़े देखोगे, बलराम जी को और कृष्ण भगवान को छोटे देखोगे, पर मथुरा में कृष्ण भगवान बड़े और आगे हैं, कृष्ण भगवान ने कंस मामा का वध किया है, मथुरा के अंदर बड़े भाई को यहाँ पर छोटा करो निकालो तो कंस को यहीं पे मारा था कृष्ण और बलराम ने, और मारने के बाद यहीं पे विश्राम लिया था, तो इसलिए इस घाट का नाम है विश्राम घाट, गंगा के तट पे बना हुआ है विश्राम घाट। यमुना जी का मंदिर है, तो इनका आधा स्वरूप भी ऊपर सब लगा हुआ है, नीचे का जो है ऊपर बन रहा है चांदी का, भाई साहब विश्राम घाट और आपका द्वारकाधीश टेम्पल देखने के बाद वापस हम आ गए जन्मभूमि। कितने की ले रहे हैं? 50 एक 50 की दो दौरा 50 का ये ले रहे हैं, दो दौरा 50 का।
टोपी कैसा लग रहा है? अभी बज रहे हैं शाम के 8:30। हम सोच रहे हैं कि हम दर्शन करें जन्मभूमि के अंदर या फिर कल सुबह करें, तो सोच समझ के फिर करेंगे काम, या अभी कर लें या फिर शाम को कल सुबह करें। फिर दर्शन जब मैंने कल सुबह को लिया, वहाँ से लिया जा रहा है लभरी और यहाँ पे कहीं पानी पड़ेगी। तो फिर 3-4 घंटा घूमने के बाद अभी हम वापस आ गए अपने रूम। अभी हम आए डिनर पैक करा के ले जाने के लिए, आप देखते हैं कि कहाँ सबसे बढ़िया डिनर मिलेगा। तो फिलहाल बेबीलोन आए, बेबीलोन में हमने खाने का ऑर्डर दिया, तो यहाँ भी आपको रूम मिल सकता है, बट यहाँ इनके रूम फुल था और इनका रूम का रेट जो है आपका 3,300 रुपये के हिसाब से। ये है खाने का मेनू, तो यहाँ से पैक करा के ले जाके अभी घर जाएंगे और फिर वहाँ खाएंगे, फिर एडिटिंग करके सो जाएंगे, कल सुबह जल्दी निकलना है। चेकआउट टाइम क्या होगा आप लोगों का? अनफॉर्चुनेटली आज हम जन्मभूमि दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि विश्राम घाट पहुँचते हमें आरटी का समय हो गया और आरटी छोड़ के हम नहीं आ सकते थे, तो इसलिए कल हम जन्मभूमि सुबह सुबह दर्शन करेंगे और उसके बाद चेकआउट करके हम निकल जाएंगे बरसाना राधा रानी टेम्पल के लिए, वहाँ पे हम होली सेलिब्रेट करेंगे एंड उसके बाद आगे जाएंगे वृंदावन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं आपको कल वापस एक नई होली वीडियो के साथ। टिल देन राधे राधे एंड हैप्पी होली टू यू गाइज। बाय बाय।